गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट सिक्स वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट सिक्स वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 47। दिए गए चित्र में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसका बी एंगल बी समकोण है। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री क्या है, ठीक है। एंगल बी 90 डिग्री क्या है और बी डी लंब है ए सी पर। तो कॉस थीटा, यहाँ पे देखो यह वाला एंगल थीटा है, ठीक है, और कॉट अल्फा का मान ज्ञात करना है। देखिए, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी आप 90 डिग्री देख रहे हो, तो यहां पे ए सी आपका विकर्ण होगा। तो ए सी निकालने के लिए हो जाएगा फॉर्मूला रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, क्योंकि ए सी का जरूरत है हमें, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर, ए बी यानी कि 12 का स्क्वायर और बी सी यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि रूट 169, यानी 13 आ जाएगा। 13 आ गया, यहां से ए सी 13 हो गया। अब यह लंब की बात करें, लंब हमें निकालना होगा। लंब क्यों निकालना होगा? क्योंकि लंब निकालेंगे तभी तो, आप देखो कॉस अल्फा निकालना है, तो कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा निकालने के लिए आधार यानी बी डी चाहिए और बटा में कर्ण आपका बी सी, ठीक है। तो ये बी डी का वैल्यू चाहिए ना। उसी तरह से आप कॉट अल्फा के लिए देखो, कॉट अल्फा की बात करोगे तो आपका आधार आधार बटा में लंब, तो हमें पहले बी डी चाहिए और फिर हमें ए डी भी ज्ञात करना होगा। तो मैं बी डी निकालने के लिए बात करूं, तो यहां पे हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो मैं अगर आधार एसी को मान लेता हूं, तो 1/2 एसी गुना में बीडी आपका लंब हो जाएगा, बीडी आपका लंब हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। और अगर मैं 1/2 आधार अगर एबी को मानता हूं, तो ऊंचाई आपका बीसी हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। चलिए, तो यह 1/2 काट दो, एसी का वैल्यू 13 गुना में बीडी बराबर ए बी, ए बी का वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू 12 और बी सी का वैल्यू 5, ये जाएगा भाग में, यानी कि बी डी बराबर में आ जाएगा 12/5 60/13 60/13, यहाँ आपका 60/13 हो गया बी डी। अच्छा, बी डी जब आ गया तो हमें ए डी का भी मान चाहिए। चलिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ त्रिभुज बी ए डी में, देखो बी ए डी इसमें, यह आपका 90 डिग्री है क्योंकि यह बी डी लंब है ना ए सी पर, बी डी ए सी पर लंब है, तो यह 90 डिग्री होगा और यह 90 है, तो यह ए बी आपका कर्ण हो जाएगा। यह लंब ले लो, इसे मैं आधार ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ए डी बराबर में हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर, हो जाएगा ना। चलिए, तो ए डी बराबर रूट अंडर 12 का स्क्वायर माइनस 60/13 का स्क्वायर। चलिए आगे इसे सॉल्व करता हूं, 144 माइनस में 3600 और बटा में 169, यही ना होगा आपका। चलिए, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करता हूं। चलिए, तो एलसीएम लेते हैं पहले अंदर, तो एलसीएम लोगे तो रूट अंडर 169, यहाँ 144 में 169 से इंटू करोगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा इसका 24,336 और माइनस में आपका 3600, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, तो हो जाएगा आपका रूट अंडर 20,736 बटा में आपका 169। तो 20,736 144 का स्क्वायर होता है और 169 13 का, तो यहाँ पे 144 बटा में 13 ये आ गया, 144 बटा में 13 हमारा ए डी आ गया। अब देखिए हमें क्या क्या निकालना है, तो पहले हमें निकालना था कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए मैं इस त्रिभुज में आऊंगा, किसमें? त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी में। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आधार यानी कि बी डी और बटा में कर्ण यानी कि बी सी, क्या हो जाएगा। तो बी डी का वैल्यू आपका है, बी डी का वैल्यू कितना आया है, 60/13 और बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू है 5, ठीक है। तो अब देखो ये इससे कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में, यानी कि 12/13। अच्छा, फिर हमें कॉट अल्फा निकालना है,
तो त्रिभुज बी ए डी में आ जाएंगे, बी ए डी में, क्योंकि अल्फा इसमें है, कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा जब यह कोण होगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आधार और बटा में लंब, यानी बी डी बटा में ए डी। तो बी डी का वैल्यू कितना है 60 बटा में 13, और ए डी का वैल्यू कितना है, तो ए डी का वैल्यू है 144 बटा में 13, 144 बटा में 13, 13 से 13 काट देते हैं। अच्छा यह भी कटेगा क्या, 12 से, 12 पंजे 60 और 12 बढ़ावा 144, 5/12। तो आंसर आ गया 12/13 और 5/12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो।